हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जैसे कि आपको पता है, मैं बिहार में हूँ और अपने गांव में हूँ, तो मैं अपना गांव ना दिखाऊँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको अपना जो गांव है वो दिखाऊँगा, वैसा ही गाँव। मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे गाँव को पसंद करोगे। कोई इतना बड़ा गाँव नहीं है, छोटा सा गाँव है और गाँव का नाम है वैसा ही। और एक बात और बता दूं कि जैसे कि यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस सुबह उठ रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, खा रहा हूँ, दोपहर में रेस्ट कर रहा हूँ और फिर शाम को फिर खाना बना रहा हूँ, खा रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, बस वही चल रहा है ये। और यही गांव की एक जो नॉर्मल लाइफ होती है वही है, खाओ बनाओ सो जाओ। और जैसे कि मैंने आज एक लड़के को कहा है जो मेरा यहाँ पड़ोसी है, उसको मैंने कहा था कि यार थोड़ा हम घूमने चलेंगे गांव में, थोड़ा मुझे घुमा देना गांव में, क्योंकि मेरा गांव घूमने का मन बहुत कर रहा था। और ऐसे भी मैं घर पे कुछ कर तो है नहीं रहा हूँ, आज के व्लॉग में जो मेरा गांव है वो दिखाऊँगा आपको। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आए तो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा गाँव है और ये गाँव की पतली पतली गलियों में ये मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी, इसका नाम है संदीप शर्मा, ये मुझे घुमा रहा है इस गांव के अंदर, चक्कर कटवा रहा है। और ये लोग अपने घर जा रहे हैं बकरी चराने के बाद, सुबह यही करते हैं ना लोग। है संदीप, ये थोड़ा कैमरे पे बोलता नहीं इतना, पर ऐसे बहुत बोलता है। और लोग सुबह ऐसे खाना वाना लेके अपना बगीचे में जाके बकरी चराते हैं, बकरी भैंस लेके चराते रहते हैं, फिर शाम को जैसे होता है वहाँ से घर आ जाते हैं। वैसे मिट्टी घर हुआ करते थे, अब जो घर है वो ईंट उठ के बन रहे धीरे धीरे। ये देखो अभी वहीं रंग गांव में आने के बाद काफ़ी मज़ा आता है जब हम गांव में घूमते हैं। तो वैसे मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा था कि गांव में घूमूं, और जब से मैं यहाँ पे आया था, पर मेरे को पता नहीं चल रहा था किस दिन जाऊँ। पहले एक दो दिन आया था तो मेरे को शर्म से आ रही थी कि गांव में लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे ऐसे, तो इसकी वजह से मैं इतना घूम नहीं जाता गांव में। जब से ये मेरा दोस्त मिला संदीप शर्मा, हेलो का दोस्त संदीप, जब से ये मुझे मिला तब से मैं थोड़ा गाँव में घूम रहा हूँ, वरना मैं घूमता ही नहीं। एक जगह पूरे दिन घर में बैठा रहता और पूरा दिन बोर हो जाता। ये देख लो जैसे कि पूरा ये बकला होता है, बकला उसकी खेती हो रखी है। और इधर ये पूरा बगीचा है आम का, इधर मेरा बगीचा है, मेरे को पता नहीं है पर कौन सा है, पर मेरे को इतना पता है कि है मेरा बगीचा है ना। तो गाइस देख सकते हो कि मैं भी हम लोग जा रहे हैं, हम दोनों नहर पे जा रहे हैं, यहाँ का जो मेन सोर्स होता है पानी का, जहाँ से खेतों में सिंचाई वगैरह होती है, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। तो ये देखो ये पूरा आपको दोनों साइड में खेत दिख रहा होगा, और जो पीछे है वो पूरा गांव था। तो ये देखो आप, ये पूरा एक नहर है, बहुत लंबी नहर है ये दोनों साइड, देखो जो काफ़ी प्यारा लग रहा है नहर। और यहाँ पे आने के बाद अलग ही सुकून मिल रहा है देखो। तो ये पूरा गांव का जो नज़ारा है यहाँ से आप सही से देख पाओगे।
जब मैं यहाँ पे रहता था तो यहाँ से चौतरवा कुछ ही किलोमीटर दूर है, यहाँ पे कुछ ही किलोमीटर दूर है, वहाँ पे पहले बाज़ार लगता था। वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ सैटरडे संडे को या बुधवार मंगलवार को कभी बाज़ार लगता है, तो वैसे ही यहाँ पे भैंसई गांव में चौतरवा में कभी बाज़ार लगता था। और मैं वहाँ पे गया हूँ अपने पापा के साथ कुछ सामान खरीदने या कुछ खरीदने सब्जी वगैरह। और ये नहर में कभी मैं जब मैं छोटा था तो नहाया करता था। और ये जो पूरा देख रहे हो ये पूरा कटबसिया है, काफ़ी मस्त एरिया है यहाँ का। यहाँ पे जैसे गर्मियों के टाइम में जब बरसात का टाइम आता है तो इसमें मछलियाँ भी आती है, और आप यहाँ पे मछली आराम से मिल जाएगी आपको बिल्कुल फ्री में मछली, कोई नहीं बोलेगा बिल्कुल। नहर के दोनों साइड देखो खेती खेत है, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी। इस गाँव में ज़्यादातर गन्ने की खेती होती है, सरसों की खेती होती है, और एक दो खेती और होती है जैसे धान की गेहूँ की खेती वगैरह होती है। तो मैं और संदीप जो है थोड़ा और गांव को थोड़ा घूमने जा रहे हैं काफ़ी डीप में, क्योंकि मैंने इसको बोला था कि मुझे जो ज़्यादा मिट्टी वाले घर होते हैं वो देखने हैं, जिसकी वजह से संदीप मुझे जो गांव का जो बेसिक घर होता है नॉर्मल जो मिट्टी वाला घर होता है वो दिखाएगा। गाँव में अगर मैं बिजली की बात करूँ तो 24 घंटे बिजली रहती है, और 24 घंटे में से अगर 1-2 घंटे भी कट जाती है तो कोई बात नहीं, मतलब कि गांव में अगर इतनी घंटे तक बिजली रहती है बहुत बड़ी बात है, वो भी गांव में बिजली रहना। और यहां पे वाईफाई भी लगेगा ना संदीप, वाईफाई भी लगेगा ना, और यहां पे वाईफाई भी लग रहा है ये संदीप बता रहा है मेरे को। और जैसे जगह जगह यहां पे दुकान खुल रहे हैं, पहले बहुत कम दुकान थे जब मैं था यहां पर, और लोग जैसे हर एक चीज़ का जो दाम था वो काफ़ी महंगा था, अब काफ़ी सस्ता है। इधर घर नहीं है मेरा, थोड़ा आगे जाके मेरा घर है। तो गांव में यार व्लॉगिंग करने में कुछ मज़ा ही कुछ और है। पहली बार बिहार में मैं ऐसे व्लॉग कर रहा हूँ, वरना कभी मैंने मौका मिला नहीं मेरे को। तो ये साल मेरा काफ़ी अमेजिंग है यार, काफ़ी अमेजिंग स्टार्ट हुई है जो साल की शुरुआत है। चलते चलते थक गया। तो गाइस ये था मेरा छोटा सा भैंसई गांव। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो। और एक बात और, जैसे कि मैं इस गांव में ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के घर देखना चाहता था, पर अब जो पहले की तरह जो मिट्टी घर रहते थे अब नहीं मिलते हैं। तो काफ़ी मज़ा आया घूम के गाँव में, और मज़ा आया, और आपने मेरे साथ इन्जॉय किया हो इस वीडियो को और मेरे गाँव को। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ताकि वो देखे कि मेरा गांव कैसा है, बिहार का छोटा सा गांव। और
तब तक के लिए खुश रहना और सेफ रहना, जल्दी मिलेंगे अगले व्लॉग में, बाय फ्रॉम बिहार। और ये मेरे पीछे है मेरा ये पोखरा।